And welcome back to Indian Girl in Europe. Indians क्यों इतना वापस जाना कर रहे हैं इंडिया सैलरी फैमिली रियर कंडीशन आपका ना दिमाग खराब होने लगता है तो भी हम लोग बहुत ज्यादा उसी में अगर हम बात करें सुरभि जैसे यहाँ की जो प्रॉपर ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनीज है जहाँ पे ज्यादातर लोग बाहर के लोग नहीं है बहुत ही इक्का दुक्का कोई फंस गया मतलब है तो इंटरनेशनल कंपनी पर एकदम जर्मन कल्चर है वहाँ हाँ, पर। हाँ और भी है जहाँ मैंने भी पहले काम किया या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी कर रहे हैं वहाँ पे वर्किंग कल्चर बड़ा बोरिंग होता है हमारे लिए इंडियंस के लिए क्योंकि हमें आदत होती है बातचीत कर रहे हैं घूम रहे हैं चाय पी रहे हैं गप्पे मार रहे हैं थोड़ा कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप आठ नौ घंटे गधे की तरह काम नहीं कर सकते है ना तो एंड ऑफ द डे और आप मोस्ट ऑफ योर टाइम आप स्पेंड करते हो ऑफिस में जिंदगी का स्पेशली वर्किंग लाइफ में नौ घंटे पर डे तो उस केस में ये बड़ा डिफिकल्ट होने लगता है लोगों को इरीटेट करने लगता है कि यार ये क्या है मतलब मतलब थोड़ा तो ओपन माहौल हो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ऐसा नहीं है मेरे ऑफिस में बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है फुल मजेदार मुझे बहुत मज़ा आता है लेकिन मैं उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे बड़ा टॉर्चर हो जाता है लोगों के साथ कुछ लोग के साथ हो भी रहा है एक दो दोस्तों के साथ और वो इस चीज़ को भी लेके एक डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा मुझे ज़िंदगी में यहाँ पर तो मैं वापिस जाता हूँ एंड देन एक और ऐड करना हर चीज़ में अपॉइंटमेंट लेना और बहुत स्लो प्रोसेस यहाँ की प्रोसेस बहुत स्लो है जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस किया था जब मैं मतलब आर वाइड फॉर अगेन टूर से हेल्प ले रही थी जॉब के लिए जो रिज्यूम में बिल्डिंग है उसके लिए बोले छः महीने आप छः महीने में तो आप बोलोगे यार हम एक कोई कोर्स कर लेंगे पूरा छः महीने का मतलब मे बी कोडिंग करना सीख जाएंगे छः महीने में पर ये लोग सिर्फ रिज्यूम में बनाना सिखाते हैं जो इनकी खुद की प्रोसेस है ये ये नहीं समझते कि यार ये तो, तो अच्छे खासे मतलब जॉब करके आए हैं दे कैन डू दीज थिंग्स ख़ुद से ही इतना टाइम इनको नहीं लगेगा ये बहुत स्लो स्लो हर चीज़ करते हैं चाहे आपको ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट लेने से लेकर आपको फॉरन अफियस में कोई काम करवाना है उससे लेकर तो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी आपके काम ही नहीं हो पाते क्योंकि ऑफकोर्स आपको ऑफिस छोड़ के वहाँ पर जाना पड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार अपनी ही कंट्री बेटर है वाई हम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं फालतू के काम घर आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वी आर नॉट हैप्पी ऑल्सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ वही एग्जैक्टली जैसे सुरबी ने बताया चीज़ें बहुत स्लो स्लो है उससे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था ग्रुप में फेसबुक पर एक बंदी थी उसके हाथ में कुछ इंजरी हुई थी और उसको फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट लेनी थी उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली उसका हाथ परमानेंटली टेढ़ा हो गया और ये सच है क्योंकि मैं सुरभि के लिए भी फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट लेने गया था वो बोलते हैं तीन महीने बाद मिलेगी मतलब आप सोचो कि किसी को आज जरूरत है और अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही आई कैन अंडरस्टैंड शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर ये वो पर अगर आप डेटा देखो ना यहाँ पर डॉक्टर्स इंडिया के कंपेरिजन में पर थाउजेंड या टेन थाउजेंड परसन छः गुना ज़्यादा हैं वहाँ पे सात हैं यहाँ पर फोर्टी टू हैं फिर भी ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट है यहाँ पर तो हमें ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है यार कि आप हर चीज में इतना टाइम लगाना टाइम वेस्ट आपका एनर्जी वेस्ट होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है और शायद बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं काफी टाइम से वो हम लोगों को समझ पा रहे होंगे हमारी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे जो लोग इंडिया में बैठ के देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा क्या फालतू की बातें कर रहे हैं हमारे मतलब चल पर दिस इज नॉट फालतू की बातें <laughs> फालतू हम, हमने बहुत मजे किए हमें बहुत मजा आता था शुरू में हर चीज अच्छी लगती थी वो भी वीडियो बनाए ऐसा नहीं, नहीं लगती अभी भी बहुत मजा आता है बहुत चीजें अच्छी है काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर जो और जगह नहीं है पर ये वो भी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का पार्ट है तो ये इसलिए हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं तो ये था आई सेक्टर की बात अब जो नॉन आई सेक्टर्स वाली वाली हैं है ना उसमें सैलरी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में जो सैलरीज हैं वो अभी भी काफी कम हैं यहाँ से जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूँ जैसे नर्सिस हो गए यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को कि नर्सिस को यहाँ पर भेजे इसके अलावा जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए प्लम्बर्स इलेक्ट्रीशियंस ये सारी चीजें हो गई इवन मेरा मैकेनिकल में ही डोमेन में काफी लोग हैं वो हो गया इवन मैनेजमेंट जॉब्स हो गई मैनेजमेंट जॉब्स हो गई हैं या डिफरेंट फैशन इंडस्ट्री में हो गई हैं अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब्स हो गई हैं उनमें सैलरीज में अभी भी जमीन आसमान का अंतर है तो जो लोग वहाँ पर नहीं है सेटिसफाइड जिनको लगता है यार दे कैन अर्न मोर ऑफकोर्स उनको करना चाहिए ट्राई क्योंकि आप हमारा कुछ फैक्टर्स को देख के आप अपना डिसीजन मत लो आपकी अपनी लाइफ है आप खुद से एक्सपीरियंस करो चीज़ें देखो ये हमारी जर्नी है हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बता रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहने के बाद एज ए इंडियन हमें कैसा फील होता है आपको हो सकता है डिफरेंट फील हो आपको हो सकता है सेम फील हो सबकी अपनी थाट प्रोसेस होती है तो जो लोग अभी भी जिनको लगता है कि नहीं यार दे कैन अर्न मोर दे कैन सेव मोर उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में और आपकी ज़िंदगी आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ कैसी होगी उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तो जस्ट अ फैक्ट में ये प्रोस्पेक्टिव समझो कि हमने अभी तक जो भी बात करी वो कहाँ पर बात करी और उसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आना चाहते हो तो ये हो सकता है आपके लिए सारे पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो इनवेलिड हो जाए है ना इसके अलावा दीपक और कुछ हमें जो बात करनी है इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इमोशनल चीज है ना एक्चुअली रियल हम अंदर से दिल से निकालना चाहते हैं वो इमोशनल रीजन ये सब चीज़ों को आप एकमोडेट करो तो एक बहुत बड़ा इमोशनल रीज़न होता है कि आपका घर आपका घर ही होता है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से भी वो एरिया कंट्री सिटी गांव डेवलप अनडेवलप ये सब चीज़ें साइड होती हैं इमोशनली आपको वहीं जाके मजा आता है आपके अपने घर पे। तो एज ए इंडियन हर मैंने मेजोरिटी ऑफ इंडियन से मैंने बातचीत की है वो यही बोलते हैं जाना है वापस जाना है यहाँ नहीं रहेंगे जाएंगे पर कब जाना है कैसे जाना है वो सब नहीं पता क्योंकि लोग फंसे हुए हैं चीज़ों में जो लोगों ने डिसीजन ले लिया भाई हेड्स ऑफ जिन्होंने मतलब सोच के ले लिया ये चीज क्योंकि आप हर चीज मिस करते हो मैं देखता हूँ इंडियंस जो हैं वो इंडिया से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे होते हैं वो इंडिया के टॉपिक्स मतलब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो स्पोर्ट्स की बात करते हो खाने कल्चर फेस्टिवल हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं वो इंडिया निकल ही नहीं पाता अंदर से उनके और कितना ही आप कोशिश कर लो आप हर चीज़ में मिस करते हो हर चीज़ में कंपेयर करते हो और जब आपके पास फैक्टर पैसा नहीं है या फिर और चीज़ें नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है वापस जाने का एक ये भी है कि आप यहाँ पे कितने भी साल रह लो लोग बोलते हैं ना यार यार आप लोकल स्मर्ज हो जाओ ये कर लो यू विल बी आउटसाइडर आप ये फैक्ट है आप नहीं रह सकते इवन मैंने कईयों के बच्चों के एक्सपीरियंस सुने उनके छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिहेवियर फील हो रहा है उन्हें मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है एटलीस्ट हमने एक्सपीरियंस नहीं की उसकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ बहुत छोटी चीज़ है जो आपको चुभने लगती है क्योंकि एज एज ए ह्यूमन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हाँ, हैं मे बी दीपक बिकॉज हमने बहुत टाइम जो है इंडिया में रहे इसलिए हमें ऐसा लगता है तारक के लिए शायद ये चीज़ जब वो इंडिया वापस जाए तब उसे लगे तो वो एग्जैक्टली वही मैं बोलूँगी आप कहाँ पले बड़े हो कहाँ पैदा हुए हो उस चीज़ घर घर ही होता है मैंने वही बोला तो इमोशनल रीज़न भी है बहुत सारे लोगों का वापस जाने का कोर्स ये रीज़न तब आता है जब आप बाकी सारी चीज़ों से सेटिस्फाई होते हो आपको लगता है यार आप इंडिया में अच्छी सैलरी कमा लोगे अच्छे घर में रह लोगे यहाँ से लाइफ थोड़ी बहुत कंपैरिजन जिंदगी जिता लो बिता लोगे तो फिर लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं तो हमारा भी ये सारी चीज़ें शेयर करने का पर्पज़ यही है कि अब आज के टाइम पर कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिनमें सैलरीज इंडिया में अच्छी हैं लोग अच्छी लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं इंडिया में कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं और वो लोग डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दिए हैं उन्होंने कि नहीं यार हमें नहीं जाना क्योंकि एक फैक्टर था पैसा बाकी जो हमने आपको बताया कि वेदर वीज़ा प्रोसेस ये उन सब चीज़ों में एक एडिशनल फैक्टर एड होता चला जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे फ्रेंड्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका डिफरेंट हो सकता है और हम जानना भी चाहेंगे उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है आप कमेंट कर सकते हो बाकी अगर एक लाइफ स्टाइल फॉलो करना है कि जर्मनी की लाइफ स्टाइल कैसी है तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर हम डेली ब्लॉग्स बनाते हैं उसमें भी आपको पता चल जाएगा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है दूसरी बात जो सब मतलब सबसे लास्ट बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा इन वन ईयर टू ईयर अगर आप आयो तो माया में फसना मत बिकॉज दो साल बाद you get, uh, like, आपको बहुत सारी मिलती हैं पर और आप एक एक जाते हो, एक माया में फस जाते हो जो हम फंस गए हैं और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इतने इजली तो वो मत करना अगर आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा तो बिंदास जो है वो डिसाइड कर लेना कि चलो यार वापस चलते हैं है ना ये एक एक्जैक्टली exactly, हमारा भी डिस्कशन चलता रहता है यार कि लेट्स मतलब प्लान करते हैं इन चीज़ों के बारे में और ऑब्वियसली इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने भी बहुत क्योंकि हमारे दिमाग में भी ये सब चीज़ें हाँ। चल रही थी और पर हमें प्रैक्टिकल भी होना है हम मतलब इतना उचक के डिसीजन लेने का नहीं है मेरा माइंड सेट स्पेशली सुरभि का भी हमें रियल फैक्टर्स देखने होते हैं हाँ। क्योंकि मेरा जो डोमेन है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और अच्छी मिली है लाइफ में मुझे उसे पूरा यूटिलाइज करना है मैं मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इमोशनल होकर डिसीजन ले लें और फिर बाद में रिग्रेट करो क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी कि आप हर किसी डोमेन में आपको अपॉर्चुनिटीज बड़ी इजीली मिल जाए नॉट इवन इन योर लाइक यू हैव अ गुड अर्निंग आप तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सेम विथ मी मेरी बहुत अच्छी लर्निंग है यहाँ पर जॉब के लिए अच्छी सैलरी है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो आगे चल के अगर इंडिया मूव करेंगे तो वो बहुत काम आएगी वो, वो इस बहुत ज़्यादा काम आएगी तो हम दोनों के लिए भी ये जो है ये मतलब जो वर्किंग चीज़ है ये बहुत अच्छी है हमारे लिए यहाँ पर तो अब हमें थोड़ा मतलब सोचते हैं कि यार क्या गुड पॉइंट्स हैं क्या तो आप समझ गए कि हम हैं कंफ्यूज्ड <laughs> बाकी सब की तरह कि करें तो क्या करें लेकिन ये है कि मजे भी बहुत हैं जैसा कि आप देख ही रहे हो सारे वीडियोस में हमारे और मजे तो अभी स्टार्ट होने वाले हैं बिकॉज़ समर इज ऑलमोस्ट हियर तो मजे तो से ऐसे मजे शुरू होते हैं समर स्टार्ट होने वाली है तो मजे शुरू हो रहे हैं बस छह महीने तो एंड ऑफ द डे वही है कि ये एक पार्ट ऑफ डिस्कशन था हमारी लाइफ में और काफ़ी लोग रिसेंटली इंडिया मूव होने लगे हैं तो हम उसका रीजंस आपसे शेयर करने वाले करना चाहते थे कई लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगेगी कई को शॉकिंग लगेगी कई को बकवास लगेगी इट्स अप टू यू तो सो भी फिर एंड ऑफ द डे हमारा क्या डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे जल्दी जो भी हम डिसीजन लेंगे जल्दी नहीं मतलब अभी जल्द हमारा, यहां का जल्दी एक दो साल में <laughs> मतलब अभी हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स सी कि हम क्या डिसाइड करते हैं हो सकता है इधर या उधर कुछ, हाँ। कुछ भी हो सकता है बट हम पर हमने उस डायरेक्शन में सोचना चालू कर दिया तो यू नेवर नो जब आप उस डायरेक्शन में सोचना चालू करते हो तो आप जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी या आप मूव भी कर जाते हो तो देखते हैं वो कितना टाइम होता है बाकी यार हमने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों को बता दिया ऑनेस्ट चीज़ें आपसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया होप आपको ये वीडियो जो है वो काम का लगा हो अगर नहीं भी लगा हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ आ गए हैं रह रहे हैं वॉट उनको भेजना और बाकी हमारा ब्लॉगिंग चैनल प्लीज़ फॉलो करना आजकल हम डेली ब्लॉग्स जो हैं वो स्ट्रीम कर रहे हैं और और कुछ दीपक बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाँ ये प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बाय बाय